नमस्कार, आपका आर किचन में स्वागत है। आज हम चावल का आटा और बेसन से चकली बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खास्ता और कुरकुरा है। कम सामान में एकदम जल्दी से बन जाता है। देखिए इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ ली। एक कटोरी बेसन, एक कटोरी चावल का आटा, स्वाद के अनुसार नमक। नमक इसमें लाइट ही डालिए, ज़्यादा तेज नमक इसमें अच्छा नहीं लगता है। 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, मिर्च भी अपना स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं कम बेसी। 1/2 चम्मच मंगरैला है, इसको कलौंजी भी बोलते हैं। 2 चम्मच तिल, तिल ज़रूर डालिए, तिल डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका। 2 बड़ा चम्मच इसमें अब हम तेल डालेंगे। तेल डालने से बहुत ही खास्ता और कुरकुरा बनता है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। अब सभी सामग्री को हम अच्छा से मिलाएंगे। जितना अच्छा से इसको मिलाएंगे, उतना अच्छा खास्ता और कुरकुरा चकली बनकर तैयार होगा। हाथ से मसल मसल कर मोयन को अच्छा से मिलाएंगे। देखिए खूब अच्छा से मिल गया है। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालकर इसको आटा को गूंथेंगे। पानी एकदम थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा एक बार तो आटा गीला हो जाएगा। आटा एकदम टाइट होना चाहिए, जैसे पापड़ कचौड़ी बनाते हैं उस तरह का। जब पानी कम लगे तब थोड़ा पानी एकदम डालिए। देखिए इस तरह का आटा होना चाहिए टाइट। अब इसमें 1/2 चम्मच से 1 चम्मच तेल लेंगे। आटा को हम तेल से चिकना कर लेंगे। देखिए आटा मेरा चिकना हो गया है। अब इसको हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए 15 मिनट के बाद मेरा आटा इस तरह का हो गया है। अब इसको हाथ से अच्छा से थोड़ा मिला लेंगे। देखिए आटा को मिलाने के बाद में इसको हम 2 भाग में कर लेंगे। और 2 भाग में करके इसको हल्का से लंबा कर लेंगे। अब हम चकली मेकर को अच्छा से तेल लगाकर ग्रीस कर लिए हैं। अब इसमें हम चकली बनाने वाला प्लेट डालेंगे। प्लेट डालकर इसमें आटा को भरेंगे। अच्छा से आटा को भरकर ऊपर से चकली मेकर का ढक्कन लगाकर इसको टाइट करेंगे। अब मेरा चकली मेकर चकली बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम आपको चकली बनाकर दिखाते हैं किस तरह से हम चकली बनाते हैं। देखिए एकदम आसान तरीका से हम आपको चकली बनाकर दिखाते हैं। गोल गोल घुमाकर चकली बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आप किसी तरह से भी लंबा लंबा निकाल लीजिए और उसको हाथ के सहायता से गोल गोल करके चकली का आकार दे दीजिए। और लास्ट में जो आटा रहता है उसको थोड़ा हल्का से चिपका दीजिए ताकि चकली आपका खुले नहीं। देखिए इसी तरह से सभी चकली को हम बनाएंगे। ऐसे बनाने से बहुत ही आसान पड़ता है, आटा टाइट रहता है इससे। चकली मेकर से गोल गोल घुमाकर चकली बनाने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए लंबा लंबा बनाकर गोल गोल करके चकली का आकार दे दीजिए और लास्ट में हल्का से चिपका दीजिए। इसी तरह से हम सभी चकली को बना लेंगे, उसके बाद हम तलेंगे। देखिए हमने सभी चकली को बना लिए हैं, अब हम इसको तेल में तलेंगे। तेल अच्छा से गरम करके आंच को मीडियम से थोड़ा और स्लो कर लेंगे, उसमें चकली को तलेंगे ताकि खास्ता और कुरकुरा बने एकदम चकली मेरा। कम आँच में ही चकली तलने से अच्छा खास्ता और कुरकुरा बनता है। जब चकली हल्का सा सेट हो जाए तब उसको अलट पलट कर इसको अच्छा से हम तलेंगे। देखिए इस तरह से धीरे धीरे पलटना है। आँच उतना ही रखना है, मीडियम से थोड़ा सा कम। पलट पलट कर इसको हम
लाल करके तल लेंगे ताकि एकदम खस्ता और कुरकुरा मेरा चकली बनकर तैयार होए। कुछ देर के बाद देखिए मेरा चकली एकदम लाल हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए मेरा चकली कितना अच्छा खस्ता और कुरकुरा तलकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सभी चकली को तल लेंगे एकदम लाल लाल। देखिए आपको हम दिखलाते हैं मेरा चकली कितना खस्ता और कुरकुरा बना है। दिवाली में आप चकली बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा चकली का रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।